मार मार कर थक गए, पसीने से तर बतर हो गए। भगवान भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना रखते समय धरती पे गिरा, धरती के तो भाग हुए और मंगल ने जन्म लिया है बालक के रूप में, सी रूप में। हर मंदिर जाते शिव जी के बाद नंदी को बदनाम करते भेड़े की सवारी जो राजस्थान में पाई जाता है। कर्क रेखा इसी मंदिर से गुजरी, यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ। ये जो मंदिर बना है पूरे वर्ल्ड के नाभि स्थल बना, जैसा इंसान का नाभि है, जैसे अपने मनुष्य की राशियाँ रहती है, महामंगल को मेष वर्षक राशि सौंपी गई। ये जो मंदिर बना है कर्क रेखा के ऊपर मंदिर बना हुआ है। लाल चीज चढ़ाते हैं, लाल कपड़ा, गेहूँ, मसूर का दाल, श्रीफल पुष्प यहाँ पर चढ़ाई जाता है। चार चीज घर के लिए मिलती है, पाँच चीज़ें दान होती है। माला को गुस्सा करता हो, चढ़ापन करता हो, शादी नौकरी पढ़े में दिक्कत हो, उनको अपनाते मंगल यंत्र अपने दुकान लाकर पूजा व्यापार कहीं भी रख सकते हो। नौ गुरु की शांति के लिए मंगल फोटो पूजा घर के लिए प्रसाद खाने का, परिवार का दाने नाम गोत्र मनोकामना बोलते चढ़ाते हैं। नाम में अपना लगता है, गोत्र में पूरे परिवार का लगता है। तो ये ले लिया है जिसमें एक नारियल और छोटी मोटी पूजन सामग्री, टोकरी वगैरह, ये सब कुछ। तो मंगल देव की ये पूजा आराधना का सामग्री इसको हम करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर हो गया यहाँ मौसम और आसपास का वातावरण खूबसूरत होते हुए। तो मंगल ग्रह का इकलौता मंदिर, जैसा कि आपको वीडियो में जानकारी बता दी गई है, और यहाँ आने से और पूरी जानकारी मिल जाती है। तो ये शिप्रा नदी के किनारे कर्क रेखा पर स्थित मंगल देव जी का मंदिर निर्माणाधीन है और ऊपर इसमें बढ़ता जा रहा है। जय हो श्री मंगल, श्री बालाजी महाराज, श्री भोलेनाथ जी, सदा सदा जी। इस महाकाल की नगरी उज्जैन में सदा सदा ही उज्जैन नगरी श्री भोलेनाथ जी की, श्री मंगल देव जी की। बहुत सुंदर यहाँ हवा चल रही है, माता जी प्रवेश कर गए मंदिर में, मंदिर प्रांगण से आते हुए। तो ये इस प्रकार से इधर प्रवेश होते हुए, तो ये इधर अपने जूते चप्पल जमा कराने के बाद तो सर्वप्रथम यहाँ हनुमान जी के दर्शन होते हुए, जय बजरंगबली महाराज प्रभु। मंगलदेव के जितने भी दोष, मंगलदेव की जितनी भी समस्याएं, मंगलदेव का जितना भी कुप्रभाव किसी पर हो, तो आपको पता है कि बालाजी की आराधना करने से बहुत जल्दी लाभ मिलने लगता है। तो ये हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्त, और इधर मंगलदेव का मंदिर, जिसके लिए उधर से जाएंगे, चलते हैं। तो दोस्तों कैसी लग रही है ये सीरीज़ अवश्य ही बताएं। बहुत तेज़ गति से हवा चल रही है, पूरे बाल उड़ गए, मतलब बिखर गए हैं। और अब जो महाकाल सुबह लगवाया था यहाँ पर मंदिर के प्रवेश, मंदिर के द्वार पर प्रवेश करते ही जिस औरत ने लगाया था, अब वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिटने लगा है, क्योंकि हल्का सा मैं ऐसे करता हूँ तो इसमें से चंदन नीचे से निकल करके आने लगता है। यानी इसकी अब जो एक वैलिडिटी है वो अब समाप्त होती जा रही है। तो इस प्रकार से इसके बाद आप धो भी सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आए, लेकिन मैंने निर्णय किया कि इसे जितनी देर तक हो सकता है लगा के रखूँगा। मस्तक बड़ा ही ठंडा इससे महसूस होता है और आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में महाकाल के बिल्कुल हर प्रकार का आनंद यहाँ उठा रहे हैं। तो मंगलनाथ जी के मंदिर में एक बार फिर से हम देखते हैं क्या स्थिति है। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने किया, अब इसके बाद में चलते हैं सीधा मंगलनाथ जी के मंदिर, यानी मंगल देव के मंदिर, वहाँ नया वीडियो इसके लिए शूट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।